हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रोजमर्रा के काम को अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो वही काम हमारे आधे हो जाएंगे, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों बचेगा। बस ऐसी ही कुछ खास टिप्स लेकर के आई हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर कुर्ती और पैंट्स को लेकर के है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को अच्छे से तह करके रखते हैं ताकि दोनों चीजें हम लोगों को समय पर आसानी से मिल जाए। लेकिन कभी कभी इतनी जल्दी होती है कि हम लोग तह करके इनको रखते हैं तो इसकी फोल्डिंग खुल जाती है, या तो कभी हम लोग को पैंट या सलवार नहीं मिलती है तो कभी कुर्ती नहीं मिलती है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप इस तरह से अगर कुर्ती और पैंट को फोल्ड करके रखेंगी तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं इसकी तह, और समय पे हम लोग को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, कुर्ती को इस तरह से बिछा लेना है, दोनों तरफ आपको हाफ हाफ फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी मैचिंग की पैंट हो या सलवार हो आपको पहले इसके ऊपर रख देना है, बाद में ही कुर्ती को तह करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने पैंट को पहले कुर्ती को हाफ फोल्ड कर लिया था, उसके बाद मैंने इस तरह से इसके ऊपर पैंट को बिछा दिया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें आप एक साथ फोल्ड हो जाएंगी तो हम लोग इसको कहीं भी रखेंगे तो ये आसानी से हमें मिल जाएंगी। अगर आप सिंपली तरह से इस तरह से फोल्ड करके रखना चाहती है रख दीजिए, अगर आप अलमीरा में इसको हैंग करती है तो आप इस तरह से इसको टांगे। अगर आप सिंपल तरीके से इसको हैंगर में हैंग करेंगी तो वो बार बार खुल जाएगी, इसकी फोल्डिंग भी बार बार खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप लोग इस ट्रिक से इसको तह करके हैंगर में टांगेंगी ना तो ये बहुत ही आसानी से अपनी जगह पे हैंग भी रहेगा, बिल्कुल भी इसकी तह खुलेगी नहीं और दोनों चीजें हम लोग को बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आगे से आप अपनी कुर्ती पैंट रखें तो इस ट्रिक का यूज जरूर करें, ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर टमाटर को लेकर के है। टमाटर बहुत महंगे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से चलाते हैं जिससे हम लोग अच्छे से इसका यूज कर सके और ज्यादा टमाटर हम लोग का वेस्ट भी ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ी क्वांटिटी में सब्जी बनाना होता है, टमाटर इतने ज्यादा महंगे हैं कि हम लोग सोचते हैं इसको आधा ही यूज करें, आधा उठा करके रख दें, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं अगर आधे टमाटर को हम लोग रखेंगे तो इसको कैसे सेफ रखें कि एक दिन बाद हम लोग अच्छे से इसको यूज कर सकें, ये बिल्कुल भी खराब ना हो। आपको क्या करना है, आप फॉइल पेपर ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर फॉइल पेपर ही लेना है, किसी भी पॉलीथिन का यूज नहीं करना है, और इस तरह से कटे हुए टमाटर में अच्छे से आपको इसको कवर कर देना है। टमाटर अच्छे से कवर हो गया है, अब इसको आप किसी भी पॉलीथिन में अच्छे से रख दीजिए टमाटर के साथ में, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप दूसरे दिन इसको यूज करेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से आपका टमाटर भी वेस्ट नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप इसका यूज कर सकेंगी, तो ट्राई जरूर करिएगा। अगली यूजफुल टिप मेरी यहाँ पर साड़ियों को लेकर के है। अक्सर हम लोग इस तरह से साड़ियों को हैंगर में टांग करके अपनी अलमीरा में टांग देते हैं, लेकिन कभी कभी अलमीरा में भी स्पेस नहीं होती है तो हम लोग सोचते हैं अपनी अलमारी में इस तरह से साड़ी हो या सूट हो या पैंट शर्ट हो, उनको कैसे रखे जिससे ये बहुत ही कम स्पेस ले और ज्यादा जगह भी ना घेरे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेनी है बैंगल, तो आप चाहे कांच की चूड़ियां ले लीजिए और आप चाहे यहाँ पर मेटल की चूड़ियां ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं मेटल की चूड़ियों का यूज करूंगी, तो चलिए आपको बताती हूँ एक साथ कैसे यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा साड़ियों के एक साथ टांग सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से हैंग भी हो जाती है और ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने एक बैंगल को इस तरह से हैंगर में डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, दूसरे हैंगर को टांगने के लिए आप फिर से एक बैंगल को लीजिए, इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह से एक साथ हम लोग 4 से 5 साड़ियां आराम से टांग सकते हैं, आपका जितना मन हो आप इसमें साड़ियां टांग दीजिए। ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती है और इजिली से मिल भी जाती है, आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल भी पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, करीबन मैंने 4 बैंगल ली है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 बैंगल का यूज किया है, एक और मैंने एक्स्ट्रा डाल के रखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 साड़ियाँ बहुत ही अच्छे से हैंग हो चुकी हैं और ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती। अलमीरा में क्या होता है, अलग अलग हम लोगों को टांगना पड़ता है तो काफी स्पेस लेती है। अगर आपकी अलमीरा में जगह नहीं है तो आप इसको बाहर बहुत ही अच्छे से हैंग कर सकती है, बहुत ही कम स्पेस भी लेती है। तो यहाँ देखिए आपको हैंग करके दिखा रही हूँ, चारों साड़ियाँ बहुत ही अच्छे से आ गई है, आप यहाँ पे एक साड़ी को और अच्छे से हैंग कर सकती है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम लोग इसको में रखेंगे तो ये गंदी हो जाएगी, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा जुगाड़ है जिससे आपकी साड़ियां बिल्कुल सेफ रहेंगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं रहेगी और कोई धूल गर्दा भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप बगैर अलमीरा के भी आप साड़ियों को अच्छे से हैंग कर सकती हैं, ये बिल्कुल अलमीरा की तरह बिल्कुल सेफ रहेगी। आपको क्या करना है, अच्छे से इसमें धूल गर्दा ना जाए किसी प्रकार की, तो आपको ले लेनी है शर्ट, कोई भी पुरानी शर्ट, बस इस तरह से आपको हैंगर के ऊपर से लगा देना है। अब आपकी साड़ियां बिल्कुल सेफ हो गई है, अच्छे से आपको सारी बटन्स को लगा देना है, है ना, बहुत ही जुगाड़ू आइडिया। अगर आपकी अलमारी में जगह ना हो, आप देखिए कहीं भी बाहर जहां भी आपको सुविधा लगे, आप इस तरह से एक जगह पे अपनी साड़ियों को अच्छे से हैंग कर दीजिए, ऊपर से इस तरह से जब आप
कोई भी शर्ट या टी शर्ट को पहना देंगी ना तो बिल्कुल भी धूल गर्दा नहीं जाएगी, हम लोग की साड़ियाँ बिल्कुल सेफ रहेंगी। अगर थोड़ी बहुत भी धूल गर्दा आती है तो वो शर्ट में ही आएगी। तो आप इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। अगली यूजफुल ट्रिक मेरी यहाँ पर आटे को लेकर के है। अक्सर क्या होता है बरसात के टाइम पे हम लोग आटे को छान के भी रखते हैं या बाजार से लेकर के आए या आटे को पिसवाते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे इसमें नमी आने के कारण इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घुन भी पड़ जाते हैं। अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये दिक्कत बिल्कुल भी ना हो उसके लिए आप एक काम करें, आप अगर आटा छान के रखती हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं छानती हो इकट्ठा आप आटे को एक बार छान के रख देती हैं तो आप एक काम करें, इस तरह से एक ग्लास में करीबन आपको आधा ग्लास चावल लेना है, बस चावल उठा के आपको आटे की टंकी के अंदर रख दीजिए। इस तरह से क्या होगा जो भी नमी अगर आटे में आती है ना तो वो इस चावल एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आप बरसात भर आटे को किसी पॉलीथीन में रख कर ही तब टंकी में रखें, इससे क्या होगा इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं जाएगी और आटे में बिल्कुल कीड़े या घुन बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की टिप आपको पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।